तो आज हम यूनिवर्सिटी का बफालो लेक थोड़ा ब्लॉग करूँगा। एंड मेरे साथ एक दोस्त है जो कश्मीर से हो ना, हाँ जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से है। वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है। मैं आपको दिखाऊंगा हमारा यूनिवर्सिटी का बफालो लेक कैसा होता है, जो रीडिंग रूम के पीछे है एंड लाइब्रेरी के पीछे है ना। हाँ ये लाइब्रेरी है हमारी। हाँ, मतलब जब पढ़ाई के लिए मन नहीं करता है लोग तो यहाँ पर आके। आप फैलो लेक आकर घूम सकते हो, 10 मिनट के बाद जाकर वापस आप पढ़ सकते हो, हाँ एंड थोड़ा रिफ्रेश होकर वापस जा सकते हो आप पढ़ने के लिए। अगर आपको मन नहीं कर रहा 2-3-4 घंटे के बाद आकर वापस जा सकते हो। हाँ ये दोस्तों मेरे को बताना, जो जो लोग के पास, हाँ ये तुम तो पॉलिटिकल साइंस का हो, पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पर? लास्ट ईयर जनरल का कट अराउंड 400 में से 220 गया था। हाँ। और एसटी का गया था 160 400 में से, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर था वो पेपर वन और पेपर टू था, वो था 300 का पेपर टू था और जो पेपर वन था वो 100 मार्क्स का था। फोर इस ईयर क्या हुआ कि पेपर वन जो कैंसिल कर दिया, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो 300 में से इस बार काउंट होगा। अगर 300 में से अराउंड आपके 230 तक मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगी। हाँ ओके दोस्तों, मेरे को बताया लाइक कितना होना चाहिए, कितना मार्क होना चाहिए? अगर 300 में से आपके इस, लेकिन लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था पेपर था वो बहुत टफ था। हाँ। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो इजी था बहुत, इसलिए आपके अगर 300 में से 220-230 आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जर्नल में आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और जिनकी रिजर्व कैटेगरी एस टी है या एस सी है, उनके अगर 180-190 भी आ रहे हैं तो फिर भी आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, और बताना यहाँ पर कोर्स फ्री कितना रहता है जो पॉलिटिकल साइंस का? पॉलिटिकल साइंस का कोर्स फी लास्ट टाइम हमने दिया था अराउंड 9,000 रुपीज़। उसमें हमारा मैस डिपॉजिट भी था, ये सब वगैरह मिला के, और जो 1,500 शायद 2,500 रुपया वो लेते हैं एडवांस, जो मैस चार्जेस वगैरह वो भी था उसमें। ओके एंड तो सब कुछ आप बताया, मैं भी सब कुछ वीडियो में कैप्चर किया है, अभी सब कुछ बोल दिया। एंड दूसरा बात बताइए लाइक इन्वायरमेंट हमारे यूनिवर्सिटी में कैसे रहता है एंड हॉस्टल फैसिलिटी कैसे रहता है? हॉस्टल सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? इन्वायरमेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है हमेशा, मतलब थोड़ी मार्च और अप्रैल के मंथ में यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है, उसके बाद जो है मॉडरेट हो जाता है, मानसून आ जाता है। नॉर्थ में रहोगे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी मई जून में, लेकिन जब यहाँ पर विंटर आएंगी तो यहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा आपको, बिल्कुल भी जैसे दिल्ली में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है विंटर में। यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, सर्दी नहीं होता ना, सर्दी नहीं, सर्दी इतना नहीं होता। और मैं गया था आई एम जम्मू, यहाँ पर थोड़ा गर्मी मेरे को महसूस हुआ, मतलब जम्मू कश्मीर। हाँ, सितंबर में गया था, अक्टूबर सितंबर में गर्मी बहुत जोर हुआ। हाँ, हाँ। बट यहाँ पर ऐसा गर्मी नहीं होता इतना। नहीं, यहाँ पर मतलब गर्मी होता है मार्च और अप्रैल के मंथ में होगा, उसके बाद यहाँ पर मई लास्ट तक यहाँ पर मानसून आ जाएगा, तो उसके बाद टेम्परेचर बिल्कुल 30-35 तक ही रहेगा। हाँ, हॉस्टल सबको मिलता है? हाँ, कि नहीं? हॉस्टल जिनकी एडमिशन हो जाती है ऑन द डे ऑफ एडमिशन, उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एंड दोस्तों मेरे को बताना, तुम्हारा तो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अभी वर्ल्ड रैंकिंग में आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ाई कैसे होता है? हाँ, जो पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है एचसीयू का, बहुत अच्छा है एकेडमिक्स के लिए। अगर यहाँ पर आप आना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि इंडिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सपोज जो लोग जेएनयू सोच रहे हैं और एचसीयू सोच रहे हैं एंड बीएचयू, कौन सा रैंक है, किस में रहेगा, किसको पहले प्रेफरेंस? उनको मैं कहना चाहूँगा कि एचसीयू जो है ये ज़्यादा थोड़ा यहाँ पर हैक्टिक शेड्यूल है, यहाँ पर आपको वक्त नहीं मिलेगा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इससे बेटर है कि आपको अगर जेएनयू में या बीएचयू में एडमिशन मिल रहा है तो आप वहीं पर ले लें। यहाँ पर आकर आप ये सोचोगे कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दोस्त लास्ट ईयर थे, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए थे, लेकिन जब उनने एक मंथ क्लासेस ली तो बीच में उनको छोड़ना पड़ा, कोई कोर्स छोड़कर चला गया, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। एंड दोस्तों मेरे को बताना, सपोज जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब बच्चा है, लाइक गाँव में है, और यहाँ पर एफोर्डेबल मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब इसका कोर्स फिर दे पाएगा? नहीं, अगर जेएनयू के बाद देखा जाए तो एचयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर एक
बच्चे के लिए अफोर्डेबल है। यहाँ पर आप एक बार आपकी एडमिशन फ़ी होगी, उसके बाद यहाँ पर मेस जो चार्जेज हैं पर मंथ के वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, 2500 to 2600 रुपीज़ आपको पर मंथ देने होंगे। एंड स्कॉलरशिप क्या क्या? हाँ, स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी हमें देती है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप आता है, और उसके बाद आप NSP के लिए अप्लाई कर सकते हो, 15-20 हज़ार रुपये आपको ईयरली मिल जाएगा। इसलिए आपका जो मतलब कह सकते हो कि आराम से जो भी ये एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा। हाँ, एंड बताना, मतलब रात में हमारा हॉस्टल का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है क्या, मतलब आना जाना ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है? नहीं नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्रीली आ जा सकते हो कहीं भी, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, मतलब हर टाइम घूम सकते हो? हाँ बिल्कुल घूम सकते हो, मतलब बुफालो में एक रात को 2 बजे भी आ सकते हो आप, जिस टाइम दिन में चाहो रात में चाहो जब मर्जी चाहो आ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स एंट्री है कि नहीं है? बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स आ सकती हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ नहीं जा सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है बस। ओके ओके, थैंक यू, सब कुछ तो बता दिया। अभी बताना, जो 2024 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CVT, क्या क्या पढ़ाई करना होगा जिसका हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस के लिए। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सा बुक को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल को फोकस करना है, एंड क्या ज़्यादा फोकस करना है जिसका हो जाएगा? पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे एक पोल साइंस हेल्प चैनल है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और एक एजुसीकर चैनल है, इन दो चैनल्स को ही अगर आप ज़्यादा फॉलो करोगे तो इससे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास पूरा एक ईयर पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा जो भी बुक्स हैं, जैसे पोल थ्योरी की बुक हो गई और लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। हाँ, इस साल कैटेगरी में कितना कटअप जाएगा, कैटेगरी में कटअप कितना जाएगा लग रहा है तुमको? कौन सी कैटेगरी? SC ST OBC? SC मुझे लग रहा है ST का, तो SC ST का तो 170-180 का अराउंड रहेगा। एंड OBC का कितना रहेगा? OBC का कह सकते हैं 200 से लेकर 210 तक। इतना कटअप क्यों जाएगा, क्योंकि ज़्यादा? क्योंकि इस बार पेपर बहुत ईजी था, हाँ, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। हाँ, अब तो सब कुछ बोल दिया, जितना मैं पूछा आपको सब कुछ बोल दिया। एंड ओके, चलो जिसको चाहिए आइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी द सुजीत कुमार गिरी, आप इसमें, हाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी द सुजीत कुमार गिरी, इसमें मैसेज कर सकता है, मैं सब कुछ रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।